हेलो नमस्ते। मम्मी की रसोई में आप सभी का स्वागत है। मैं बनाने जा रही हूँ प्याज के पकौड़े। एक चम्मच नमक, एक चुटकी हींग, अजवाइन, एक छोटी चम्मच कसूरी मेथी, छह मिर्ची कट किसी हुई, एक छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसको पेस्ट बनाते हैं, मिला लेते हैं। इसका गाढ़ा घोल बनाना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए, अच्छे से मेस हो जाए, गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना। इस तरह का बेसन होना चाहिए, गाढ़ा रखना चाहिए। बस हो गया है, तैयार हो गया, पेस्ट तैयार हो गया। अब इसमें धनिया डालेंगे, धनिया पत्ती। इसको गोल इस तरह से घुमा घुमा के चाकू से काटना पड़ता है, पतले पतले गोल लच्छे में, इस तरह से। ये बनाने जा रही हूँ प्याज के पकौड़े। ये देखो कट गए हैं। मम्मी रो क्यों रही हो? प्याज का दर्द नहीं है। एक ऐसा प्याज चाकू से जिससे नहीं बनता है, नहीं काट पाते, तो इसको इस तरह की एक काट चिप्स काटने वाली मशीन आती है, ये और ये चिप्स काटने वाला कटर है, तो इसी से ऐसे इस तरह से दबा के काटते हैं। इससे क्या है, पतला भी कटता है वो गोल भी कटता है। देखो इस तरह से पतला इस तरह से काट सकते हैं। ये है, तेल अच्छा गर्म हो जाए फिर उसके बाद डालेंगे। वो तो गर्म हो गया है, अब इसको डिप करेंगे इस तरह से, इस तरह से डिप करके इस तरह छोड़ देंगे, इस तरह से। तो इस तरह से लगाते हैं फिर आराम से इसको, इसको इस तरह से। इसको पलट देते हैं, ये नीचे सिक गया है, अच्छा ब्राउन हो गया है। इसको कर देते हैं कम, अच्छे से सिक जाएगा। मीडियम आंच में सेकना है। अब जैसे सिक गए हैं अब इसको निकाल लेती हूँ। जाली वाली झरिया या छेद वाली उससे निकालते हैं, उसमें क्या है तेल निकल जाता है अच्छी तरह से। अब किसी के पास टिश्यू पेपर नहीं होता है तो वो अखबार वाले पेपर में भी निकाल सकता है, एक्स्ट्रा जो तेल होता है और वो पूरा सूख जाता है इसी में, इस तरह से निकल जाता है। जैसे ये है देखो तेल दिख रहा है, इस तरह से निकल जाता है। ये हमारे प्याज के पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं।